राम राम जी सारे ने। और कैसे हो भाई? बढ़िया हो गए सारे के सारे। और भाई मैंने कर दी लोग की शुरुआत, और शाम के बज गए भाई 4:30 का टाइम हो चुका है। और ये बर्तन हो गए थे चाय वाय के भाई, और बच्चे स्कूल से आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, तो सारे जो बर्तन होते हैं वो इकट्ठे ही धो लेते हैं हमें फिर। और बर्तन धोने के बाद अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया है भाई घूमने का। और पता है क्या हो गया भाई, घर पे बैठे बैठे है ना, एक तो थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने के साथ साथ मतलब वो तो ठीक है, वेट थोड़ा सा बढ़ जाए ज़्यादा भी मतलब पतला अच्छा नहीं लगता आदमी, और लेकिन घूमने से जो है ना शरीर थोड़ा ठीक रहता है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा घूमना चालू कर दूँ, तो मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया। और अब मैं थोड़ा सा काम करके फिर मैं जाऊँगी घूमने 5:30 बजे। तो भी मैं ये आटा लगा रही थी, और आटा लगा के और सब्ज़ी बना के तभी जाती हूँ। 5:30 बजे हम जाते हैं, 6:45 बजे इसी टाइम जाते हैं, मतलब 5:30 या 6:45। तो भी ये काम हो जाने के बाद एक तो आटा भिगोने का और एक सब्ज़ी बनाने का, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती कि मुझे जाके अब ये करना है ये करना है। फिर तो उसके बाद आके 10-15 मिनट बैठ जाते हैं, और रात ही फिर अपना रोटी बना के सबको खिला दो, काम बुला रहे हैं भैया। आटा तो मैंने लगा दिया भाई, अब ऊपर वाली दीदी आ गई हैं, 2 मिनट उनके पास बैठ जाएं, और घूमने की हमारी तैयारी हो चुकी है, अब हम चले जाएंगे उसके बाद। कौन कमाएगा? डॉक्टर बनने में बहुत पैसे कमाएगा। मेरी आंच बनेगा डॉक्टर एकदम, मैं तो आशीर्वाद दूंगी कि जल्दी से डॉक्टर बन जाए। आंटी का आशीर्वाद है तेरे साथ, मैं तो हरदम आशीर्वाद देती हूँ। अरे देखना जितना शैतान, मेरा भी अमन जो है ना, दोनों बाप इतना शैतान था ना, बहुत। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं घूमने के लिए, और भाई हम जा रहे हैं पहले महावीर पार्क से, सीधे जाएंगे हम 6 पार्क की साइड, हम जाते नहीं हैं भाई, वहाँ पर बंद हो जाता है, इसलिए हम सोचते हैं रोड यहाँ से चले जाएंगे सीधे। और ये यहाँ से गोकुल धाम सोसाइटी दिख रही है, और 7 दिख रहा है भाई, यहीं पे है वो 7, और आगे जाके 6 आएगा, वहाँ तक हम जाते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं 7 की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कौन कौन घूमने जाते हैं, पीछे मामी हैं, और मामी के जो है हमारे ये पड़ोसी हैं, और मेरे पीछे पीछे जो है ना मीनू चल रही है हमारी बहू रानी, और भाई हम चारों जने जा रहे हैं घूमने। और घूमने से जो जो फ़ायदे होंगे ना भाई, आपको ज़रूर बताएंगे, जो घूमने नहीं जाती लेडीज़ जो घर पे बैठी रहती हैं। मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ फ़ायदा होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और दूध लेके जाएंगी तो और पतली हो जाएंगी। और पतली हो जाऊंगी फिर मैं ना, घूमने जाने पर फिर लोग कहेंगे कुछ खा लिया कर, मरी पड़ी खाना बंद करे तो कति घनी सूखी। हाँ तेरा कटाऊंगी, इनका कट गया तो कभी मेरा तो कटता रहा, मैं तो कभी नहीं। अरे चाची का तो वैसे कटे चल ना कट, मेरा जरूर कटता, इसका जरूर कटेगा। मन कोई सी का ना कटता लगता, जल्दी जल्दी चल, दौड़ लगवाया करो, एक डंडी लेकर हां चल भाज ले, दौड़ लगा के दिखा दे, डंडी लेकर और पीछे ले मैंने हां खड़े वाले की डाला। देखिए ये बाज रहे, देखिए इनकी तरिया दौड़ लगा। यूपी पहुंच जाएगी मीनू है, चलते चलते तो ये सामने जो डिग्गी दिख रही है ना भाई, यहाँ तक जाएंगे, और आगे का आज नहीं करेंगे हम, क्योंकि भाई देखेंगे ज़्यादा थकावट होती है नहीं होती है उस हिसाब से, अगर ज़्यादा नहीं थकावट होती है तो अगली बार उससे थोड़ा आगे चले जाएंगे, नहीं तो यहीं तक का ही करेंगे, ज़्यादा का नहीं। तो
आज मौसम भी सही हो रहा है। तो भाई शाम को ये देखो मोस्टली लोग मतलब घूमने के लिए निकल जाते हैं घरों से, और ये हमारे आगे आगे भी जा रहे हैं। घूमना भी अच्छा ही होता है और हमारे शरीर के लिए भी ठीक रहता है, लेकिन मोस्टली लेडीज़ जो हैं घूमती नहीं है, लेकिन भाई घूमना चाहिए थोड़ा बहुत, देर काम घूम करके अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ये नहीं है कि घर पर ही पड़े रहो, मतलब 15-20 मिनट घूम लो चाहे कितना ही घूम लो, लेकिन घूमना ज़रूर चाहिए। इससे हमारे हाथ पैर भी ठीक रहेंगे और जितना भी मतलब कुछ होगा हमारे शरीर में कुछ भी फ़र्क मुझे दिखेगा। अभी मेरे पैरों में दर्द रहने लग गया, तो अब ये ठीक होता है या नहीं होता है मैं आपको बता दूँगी। तो अब हम पहुंचने वाले भाई वापस महावीर पार्क में, और ये नहर देख लो भाई, महावीर पार्क और सेक्टर 7 के बीच में है ये नहर, और कितना कि वो कूड़ा करकट जो कुछ है ना सारा नहर के अंदर ही डाल देते हैं लोग बाग, ये नहीं देखते भी इसको थोड़ा साफ रख लें। नहीं, यहाँ पे सारा कूड़ा कचरा नहर के अंदर, पड़ मत जाइए मम्मी। इन्हें डरा दे मीनू ने, चल चल चल। बच्चे की भी नो